हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब हो सर बहुत अच्छा सैलरी होगी हाँ जी आइए आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा सी इंटर एडवांस अकाउंट की मई ट्वेंटी फोर अटैम्प के लिए एम टी पी वन हम लोग क्या कवर करेंगे सर एम टीपी वन एडवांस अकाउंट अटैम्प्ट जो आपका है वो है मई ट्वेंटी फोर सर आर का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं आर टी पी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैंने जो आर टीपी कवर कराई आपको वो कंप्लीट कवर कराई है उसमें सर जो MCQ, सर जो केस सिनेरियो थे और जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने कंप्लीट कराए हैं जो ये एम टी पी वन है ना इसमें केस सिनेरियो में आपको सारे कवर कराऊंगा एमसी क्यू में आपको सारे कवर कराऊंगा और जो भी न्यू क्वेश्चन है उसको कवर कराऊंगा बाकी जो क्वेश्चन सर आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है इसमें बड़े सारे क्वेश्चन सर ऐसे हैं इस एम टी पी में जो आपके स्टडी मेट से तो स्टडी मेट बैच मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आप उसे रेफर कर लेना और कुछ क्वेश्चन सर ऐसे हैं जो अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एम टी पी से हैं तो उसकी प्ले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले के सनैरियो वन बेटा एग्जाम में जब आप के सनैरियो को कवर करेंगे तो आपने पहले क्या करना है, सर के स्नैरियो की रिक्वायरमेंट पढ़नी है क्योंकि जब हम के सनैरियो की रिक्वायरमेंट पढ़ के ना सर के सीनेरियो रीड करेंगे ना तो सर जो भी हमने क्वेश्चन पर रखा होगा ना हम उसी के एंगल से क्या करेंगे सर उसका आंसर सोचेंगे ठीक है जी सर आइए पहले एक बार गो थ्रू करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है देखिए व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सी लिमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कह रहा है रिवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपका बेस क्या रहेगा पहला स्टेप अपना क्या रहेगा सर के सीनेरियो हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे

फॉर द ईयर हंड्रेड आपका एज पर ए एस इलेवन तो हम लोग क्या करेंगे सर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चेक करेंगे कि जो फोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो इंटरनेट फॉर ट्रेनिंग पर्पज है या नॉट इंटरनेट फॉर ट्रेनिंग पर्पज ठीक जी सर चलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस द कंपनी इन रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अब स्कीम रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट अच्छा कहीं ना कहीं के सर केस सिनारे में ना एम्प्लॉय बेनिफिट की बात कर रखी ठीक जी सर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे एज ए स्टूडेंट अगर मैं पढ़ता तो कैसे पढ़ता यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस द कंपनी हमें क्या करना सर कंपनी को एडवाइज करनी है रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अब स्कीम रिलेटेड टू बेनिफिट मतलब कहीं न कहीं बेनिफिट दिए गए उसके रिगार्ड में scheme, अच्छा, एक से ज्यादा स्कीम दी गई है शुड बी कंसिडर्ड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यूरिंग दी बात हो रही है प्लीज कमेंट रिगार्डिंग कॉन्सोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर सी लिमिटेड एंड ए डी लिमिटेडिंग ऑप्शन एज टू विच वन शुड बी करेक्ट सर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एम सी क्यू के अंदर जो ऑप्शन दे रखे वो साथ साथ रीड करें नहीं हम पहले क्या करें एम सी क्यू रीड करेंगे ठीक सर कॉन्सेप्ट को, को कोरिलेट करेंगे देखिए अगर मैं कॉन्सोल्टेशन की बात करूं तो सर आपके तीन ए एस रोल में आ जाते हैं ए एस ट्वेंटी वन फुल कॉन्सोल्टेशन आपका ए एस ट्वेंटी थ्री सर आपका इक्विटी मैथड सर आपका ए एस ट्वेंटी सेवन सर आपका प्रोपोर्सनेट कॉन्सोल्टन मैथड ज्वाइंट के केस में ठीक जी सर चलिए अब हम क्या करेंगे केस सिनेरियो पढ़ेंगे देखिए क्या है सी लिमिटेड द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ टूर एंड सर सी लिमिटेड जो है ना वो एक कंपनी है जो कि टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में लगी हुई ठीक इट सेल होलडे पैकेज टू कस्टमर सर ये क्या करती है होलडे पैकेज भेजती कस्टमर को ठीक जी सर मतलब एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है सर होलडे पैकेज बेचती है ठीक जी सर अब होल्डे पैकेज में सर क्या क्या आएगा आपका होटल फैसिलिटी आएंगी ठीक है सर वहां पे जो जहां पे भी आपका टूर जाएगा वहाँ पे सर लोकल कहाँ कहाँ पे घूमना है कैसे घूमना है ठीक है वो सब अरेंजमेंट आएगा ठीक आपका सर एयर टिकट आ सकती है आपका सर रेलवे टिकट आ सकती है ठीक जी सर या वोलो वगैरह की टिकट आ सकती है ठीक अब कंपनी की बात करें द कंपनी नेगोशिएट अ फ्रंट विद द एयरलाइन अच्छा कंपनी ने क्या किया सर नेगोशिएट किया किसके साथ एयरलाइन के साथ फोर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट इन द फ्लाइट सर जो ये एस लिमिटेड कंपनी है इसने क्या किया एक एयरलाइन के साथ सर नेगोशिएशन किया किस बात का कि वो क्या करेगी जो एयरलाइन है ना उससे सी लिमिटेड सर क्या करेगी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट ले लेगी ठीक है फ्लाइट के अंदर चलिए आगे देखिए क्या लिखता है द कंपनी एग्री टू बाई ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट सर जो कंपनी है वो एग्री है किस बात के लिए सर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट के लिए ठीक है एंड पे फॉर दोस्ट टिकट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज एबल टू रीसेल ऑल दो ज देखिये रिलेशनशिप का एस नाइन अगर आप प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हो तो आप ग्रोस रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे आप एजेंट की तरह काम कर रहे तो आप क्या करेंगे सर नेट रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सर क्या किया गया एक डील करा दी थी, ठीक तो सर मान लो डील हुई फिफ्टी लैख की टू परसेंट मेरा कमीशन था तो मैं वन लैख की कमीशन इनकम रिकॉर्ड करूंगा नेट बेस पे क्योंकि तो मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ ठीक सर प्राइमा बेस ही हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं एज ए एजेंट काम कर रहे हैं एज एन एजेंट काम कर रहे हैं हम लोग सर क्या चेक करते हैं चेक करते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विस है ना उसका रिस्क एंड रिवार्ड किसका है उसकी जो प्राइस वगैरह है वो डिसाइड कौन करेगा ठीक जी सर द रेट पेड बाय द कंपनी फॉर इज टिकट परचेज इज नेगोसिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस ठीक है द कम्पनी ऑल्सो एसिस द कस्टमर इन रिजोल्विंग कंप्लेट विद द सर्विस प्रोवाइडर बाय द एयरलाइन ठीक है तो सर कहीं कही ना कहीं सर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ठीक तो हम एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं हाओ एवर ईच एयरलाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ओब्लीगेशन एसोसिएट विद द टिकट इंक्लूडिंग रेमिडी टू द कस्टमर फॉर डिसेटिस्फेक्शन विद द सर्विस हालांकि सर एयरलाइन की रिस्पॉसिबिलिटी है जो उसकी ओब्लीगेशन है टिकट के साथ ना लेकिन टिकट सेल करने सर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने भी सर यहाँ पर रिस्पॉसिबिलिटी ले रखी कि कोई कंप्लेन वगैरह को तो हम रिजोल्व कराएंगे प्राइस वगैरह सर हम नेगोशिएट करेंगे तो यहाँ पर सर हम एज ए एजेंट काम नहीं करें एज ए प्रिंसिपल का तो हम जो 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 रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सर मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रखा था आप रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो सर मैं तो मैं ग्रोस बेस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ठीक है जी सर अभी मैं एमसीक्यू पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सर क्या है कि आपका यहाँ एमसीक्यू सी वन खत्म हो जाता है

एट आपका वन यूएसटी इक्वल टू एटी थ्री पॉइंट टेन आई एन आर वन एक्सचेंज रेट वॉज वन यूएसटी आपका आई एन आर एटी थ्री पॉइंट टू बात सुना ध्यान सुना स्पोर्ट रेट क्या है एटी थ्री पॉइंट टू है फॉरवर्ड रेट क्या सर एटी थ्री पॉइंट वन जीरो जी सर अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज तो मैं क्या करता हूँ सर स्पोर्ट रेट को इग्नोर करता हूँ और उसे मार्क टू मार्केट के हिसाब से वैल्यू करता हूँ ठीक जी सर अगर सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है

कोई ट्रांजेक्शन आपने कर रखी है और उसके अगेंस्ट सर आपने क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट लिया है जैसे आपने गुड्स परचेज किए हैं गुड्स सेल किए हैं मशीन परचेज किए हैं मशीन सेल की उसके है अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा ना फोर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रखा तो सर उस केस में हम उसे मान के चलते हैं नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज फिर से मेरी बात सुनना अगर क्वेश्चन में सर हमने क्या किया गुड्स परचेज किए गुड्स सेल किए कोई मशीन परचेज की कोई मशीन सेल की मतलब एक ट्रांजेक्शन किया और उसके सर हमने क्या किया कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना तो नोट इंटरनेट फॉर ट्रेडिंग मान के चलते हैं उसके हम क्या करते प्रीमियम को और दर प्रेट एलोकेट करते हैं ठीक जी सर अब ये यहाँ पे ना एक गलती कर रखी करेंगे उसके ऊपर चर्चा ठीक जी सर यहाँ पे सर कहीं पे मेंशन नहीं है ठीक सर हम ये मान ले मैंने कहा क्या मान ले सर जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया ना ये टिकट बेची थी उसके रिकार्ड में लिया है बेटा ऐसे तो हम कुछ भी मान लेंगे इसका इसके साथ कोई कोरिलेशन है नहीं सर इसके साथ तो कोई कोरिलेशन नहीं है कहीं उसने किया नहीं चलिए तो एक मिनट के लिए अभी इस बात को होल्ड करते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते आगे ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी फोर द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स एक्सचेंज रेट वॉज यूएसडी वन आपका एटी फाइव एटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक थर्टी फर्स्ट मार्च को सर आपका जो प्राइस था एटी थ्री पॉइंट वन फाइव था फर्स्ट अप्रैल को सर कंपनी डिसाइड फॉर प्री मैच्योर सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल एक् सर अगर एक्सेप्शन एक्सेप्शनल सर्कमस्टानसेज से सर हम कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेते ना और नोट इंडन फॉर ट्रेडिंग पर्पज है तो सर थर्टी फर्स्ट मार्च को हम नोट इंडन फॉर ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं मतलब प्रीमियम को होते एलोकेट करते हैं जी सर सर मेरे हिसाब से जो इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ना ये मार्क टू मार्केट आना चाहिए लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कुछ छोड़ देगा मैं उसके ऊपर भी आपके साथ चर्चा करूँगा ठीक जी सर चलिए मतलब इंडर्न फॉर ट्रेडिंग परपज मार के चलेंगे द कंपनी इज इवेटिंग बिलो मैंशन स्कीम सर कंपनी ने कुछ स्कीम रखी है देखिए AS5 के ना दो केस में हम अकाउंटिंग तो में ठीक? आपने यहाँ पे की। अपने नहीं है इसका एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाता न्यू पॉलिसी मानी जाती ठीक जी सर, सर एक ट्रांजेक्शन हुई है एक ट्रांजेक्शन यहां हुई, है, हुई है, ठीक? जी सर। लेकिन सर ये सब्सटेंशियली अलग ट्रांजेक्शन है

अब हमने क्या किया फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुटी स्कीम सर लॉन्च कर दी है सर ये दोनों बिल्कुल अलग है सब सर ये ट्रांजेक्शन अलग है नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक जी सर क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पूछा था एम्प्लॉय बेनिफिट के रिगार्ड में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है या नहीं है देखिए पहले एमसीक्यू पढ़ने से क्या फायदा होगा सर हम कोर कर पा रहे हैं एमसीक्यू के साथ ठीक मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू एम्प्लॉई हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग फाइव ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन सर मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो पेंशन पे करेंगे उन एम्प्लॉय को जो रिटायर होंगे पांच साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ अर्लियर देर वज नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन पहले सर ऐसी कोई स्कीम नहीं थी पेंशन की ठीक है जी सर चलिए तो सर ये भी क्या हो जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा क्यों सर क्योंकि सर यहाँ पे ट्रांजेक्शन सर सब अलग है यहाँ पे ट्रांजेक्शन ही सर ट्रांजेक्शन ही क्या नहीं है तो दोनों केस में सर नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा ठीक जी सर सर एक बार फिर से बता दो दो केस को हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान के चलते पहला केस ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियली अलग है दूसरा केस है, न्यू ट्रांजैक्शन है ठीक जी सर चलिए सी लिमिटेड हैज ए सब्सिडरी एडीआई लिमिटेड ठीक है विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग टर्नओवर ऑफ ट्वेंटी टू हंड्रेड करोड़ ठीक है सी लिमिटेड एंड ए डी लिमिटेड एक सेकेंड बेटा ये एस लिमिटेड है ये ए लिमिटेड है ये इसकी सब्सिडरी बन गई ठीक है सब्सिडरी कंपनी बनती है जब सर हम कंपनी को कंट्रोल करते हैं ठीक है जी सर आगे देखिए सी लिमिटेड एंड एडीआई लिमिटेड होल्ड नाइन परसेंट एंड ट्वेंटी थ्री परसेंट नाइन परसेंट एंड ट्वेंटी थ्री परसेंट रिस्पेक्टिवली इन एन एसोसिएट कंपनी ए ओ सी लिमिटेड एसओ ठीक है ए एस ओ सी लिमिटेड ठीक बोथ सी लिमिटेड एंड ए डी आई लिमिटेड प्रिपेयर सी एफ एस एज पर द अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनी रू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी वन होता वैसे है वैसे चलो कोई नहीं उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है क्योंकि बेसिकली सर यही इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में कंपनियों के लिए ना ये सारी स्टोरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ए एस इंडिया की क्लास में करा रखी ठीक है जी सर मेरी बात सुनिए ध्यान से सर, सर। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो बनती है तो यहां पे कंसोलिडेशन होगा बिल्कुल ठीक है सर वो कह रहा है कि ए भी कंसोलिडेशन करती है ठीक है अगर ए कंसोलिडेशन करती है इसका मतलब क्या है सर इसकी कोई ना कोई सब्सिडियरी रही होगी ठीक जी सर सर एसोसिएट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना ठीक जी सर अब सर अगर आप देखेंगे तो एस का क्या ए एस ओ सी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सर नहीं मैंने कहा क्यों सर 9% होल्डिंग है देखिए बेटा मेरी बात सुनना ए एस ओ सी के थर्टी टू परसेंट शेयर होल्डर सर हम हैं और जो डिसीजन सर एस लिमिटेड लेगी वही ए लिमिटेड मानेगी और ए लिमिटेड को अगर एस कहती है कि एक काम करना यहां पर डिशन लेना तो वो डिसीन मान लिया जाएगा इसका तो सर नाइन परसेंट पर क्या लगेगा सर आपका इक्विटी मैथड लगेगा क्योंकि एसोसिएट के केस में सर क्या होता है इक्विटी मैथड लगता है ठीक है जी सर चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे एम सी क्यू कवर करेंगे देखिए वट वुड बी द बेसिस ऑफ रिवेन्यू ऑफ सी फॉर सी लिमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए एस सर ग्रोथ बेसिस अच्छा बात खत्म आगे हम बढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें तो सर जल्दी जल्दी करना है सी क्यों प्लीज़ सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी फोर एज पर एज आपका इलेवन सर ये एम टू एम होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए ठीक एम टू एम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्यूटेड एंड ओनली इफ देर इज लॉस नो नो अकाउंटिंग विल बी डन नो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एमोटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दे रखा है इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है ये आंसर दे रखा है हालांकि मैंने इंस्टीट्यूट को मेल लिखी है कि या तो आप एक काम करें बच्चों को ना ज्यादा कंफ्यूज ना करें इस चीज में ना या तो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि एक काम करें यहां पे कोई ना कोई ट्रांजेक्शन मेंशन कर दें ये मेंशन कर दें कि ये इन से रिलेटेड है या कोई और सर असट या लाइब असट या आपका असट को परचेज करके गुड्स को परचेज करके सेल करके दिखा दें उसके अगेंस्ट सर मतलब एक लाइन डालते हैं यहां पर ठीक या साफ साफ लिख लिख दें नोट हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पज तब भी बात बन जाएगी नहीं तो सर इसका आंसर अपडेट करते हैं और ए ऑप्शन करते हैं ठीक जी सर चलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ तो मैं आपको बता दू मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ, आती है आई हुई है मतलब एम टी पी वन और टू के रिगार्ड में कि सर कुछ गलतियां हैं ठीक है तो जहां मैं आपको बता गलती गलतियां आपको बता रहा हूं तो आपने क्या करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ठीक है लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे चलिए क्योंकि यह बहुत बच्चों की क्वाईरी थी यू आर रिक्वेस्ट टू एडवाइज दिस्पेक्ट दिंग रिक्वॉर्यमेंट ऑफ अवर स्कीम रिलेड टू एम्प्लॉय एज टू विच वन ऑफ दो स्कीम शुड भी कंसिडर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अरे कैसी बातें कर रहे हैं नोट ए चेंज यहां चेंज लिख दिया कैसी बातें कर रहे हैं नोट ए चेंज और नोट ए चेंज तो सर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा ठीक जी सर चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं स्टडी मेटीरियल जितने भी एमसी क्यू है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ जी सर प्लीज कमेंट रिगार्डिंग कॉन्सोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर एस लिमिटेड एंड एडीआई लिमिटेड यूजिंग द बिलो मेंशन ऑप्शन टू वन शुड बी करेक्ट ठीक जी सर एडीआई लिमिटेड वुड यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्वेंटी थ्री परसेंट इन एसओक लिमिटेड ठीक है सी लिमिटेड वुड कॉन्सोलेट आई लिमिटेड बिल्कुल ठीक है एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटिकली इक्विटी अकाउंट ट्वेंटी थ्री परसेंट ठीक है एंड सेपरेटली अकाउंट नहीं सर नाइन परसेंट पर भी इक्विटी मैथड लगना चाहिए गलत बात कर रहा है ए लिमिटेड वुड अकाउंट ट्वेंटी थ्री परसेंट इन ए एज पर ए एस थर्टीन कैसी बातें कर रहे हैं ए डी आई लिमिटेड वुड अकाउंट फॉर ट्वेंटी थ्री इन ए एस ओ सी लिमिटेड यूजिंग इक्विटी मैथड बिल्कुल ठीक है सी लिमिटेड वुड ट ए डी आई लिमिटेड बिल्कुल ठीक है कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर ए एस ओ सी लिमिटेड ट्वेंटी थ्री परसेंट से ठीक है एंड सेपरेटली अकाउंट फॉर नाइन परसेंट इन ए एस ओ सी लिमिटेड यूजिंग द इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सी एफ एस बिल्कुल परफेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक जी सर बेटा अगर आप ना पहले एम सी क्यू पढ़ते ना और उसके बाद सर से के सैनैरियो पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा सा आ जाएगा क्योंकि आपने पहले सोल्व कर रखा क्वेश्चन ठीक जी सर चलिए के सैनैरियो टू अब जैसे सर ये आपका क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको क्या करना है कैलकुलेट करनी है तो इसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर पहला स्टेप अपना रहेगा एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इनकट डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन विल बी कैपिटलाइज टू दी कोस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक है फैक्ट्री बिल्डिंग में सर कौन सी कोस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज होगी मतलब ए एस की बात कर रहा है ए एस टैन सर यह कहता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग दिस टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड टू बी ऑपरेटिंग

कैरिंग अमाउंट बेटा कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू को बोलते हैं और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल आपका रिपोर्टिंग डेट ठीक जी सर वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिशिएशन इसलिए बात लिख भी दी अगर ना भी लिखे ना तो भी अपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है ठीक एक बात का एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो सर अट ऐसी है जो कंप्लीट नहीं हुई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा ऑफ द फैक्ट्री इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ठीक जी सर चलिए तो कहीं ना कहीं सर ये तीन क्वेश्चन आपके टेन के हैं और पहला क्वेश्चन सर आपका ए एस सिक्सटीन का ठीक जी सर चले हाँ जी सर अच्छा ये हमारी टीम ने बैकग्राउंड अलग अलग कर रखा है कोई बात नहीं एक बात और पहला स्टेप क्या रहेगा सर हम एमसीक्यू क्यू पढ़ेंगे सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर हम लोग ना जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है उसको कोरिलेट करेंगे थर्ड स्टेप मैं आपको बता देता हूँ अगर सर के सिनेरियो अपना मतलब आपका सरी सर जो है थ्योरेटिकल केस जी सर जहां पे कंप्यूटिंग नहीं कर तो क्या करेंगे क्या करें? क्या करें लेकिन अगर भी है सर, तो हम क्या करेंगे साथ साथ कम्पिटन करतेचे फोर रुपीज थर्टी लैक सर एस लिमिटेड ने क्या किया कुछ लैंड परचेज की थर्टी लैक की फॉर द परपज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फैक्ट्री एक न्यू फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक िस कोस्ट ऑफ थर्टी लैख इंक्लूडेड लीगल कोस्ट ऑफ टू लैक इनकल फॉर दर्पज ऑफ एक्शन ठीक सर हम लोग जो लीगल कॉस्ट होती है कॉस्ट होती है उसे कैपिटलाइज करते हैं तो साथ साथ कंप्यूटेशन स्टार्ट कर देते हैं थर्टी लैख ठीक जी सर कुछ और ना लिखना पड़ जाए थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं आप रफ में वर्किंग करेंगे ठीक है जी सर मतलब एग्जाम के अंदर ना टू लैख सर इसके अंदर कोस्ट इंक्लूड है द कॉस्ट ऑफ थर्टी लैक इंक्लूडेड लीगल कॉस्ट ऑफ टू लैक इंक्लूड फॉर द दर्पज ऑफ एक्शन ऑफ दिस लैंड ठीक है कंस्ट्रक्शन वर्क कुड स्टार्ट ऑन फर्स्ट मई ट्वेंटी टू देखिए सर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ है फर्स्ट मई को ठीक तो मैं आपको बता दूं जो बोरोइंग कोर्स कैपिज होते हैं ना कंस्ट्रक्टर असेट के ऊपर सर वो कैप्टलाइजन स्टार्ट होता है सर जब तीन कंडीशन पूरी होती है पहली कंडीशन सर जो क्वालिफाइड असेट आपने एक्वायर कर लियो सेकेंड कंडीशन क्वालिफाई असेट सर आपने क्या किया एक्वायर कर लियो ठीक है सर सेकंड कंडीशन सर देर मस्ट बी बोरिंग कोस्ट ठीक है सर थर्ड सर नेसेसरी एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन सर कब से स्टार्ट किया फर्स्ट मई से तो बोरिंग कोस्ट का अप्ला इस डेट से होना चाहिए ठीक लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन ने कुछ और स्पेसिफाई कर रखा तो सर हम क्वेश्चन की बात नहीं टालेंगे हम क्वेश्चन की बात मानेंगे ठीक जी सर उस केस में हम क्या करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को साइड में रखेंगे भाई तो थो थोड़ी देर साइड बैठ हम एक क्वेश्चन की बात माने थे ठीक चलिए एंड एस लिमिटेड प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू इट्स कंस्ट्रक्शन ठीक जी सर

अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं और उसके बाद सर डेपरेशन लगना स्टार्ट हो जाता 21, हो सर। हो है ठीक जी सर परचेज मटेरियल फॉर दी कंस्ट्रक्शन सर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉय टू न्यू फैक्ट्री सर कैपिटलाइज नहीं होगा कॉस्ट ऑफ इनोग्रेशन सेरेमनी सर कैपिटलाइज नहीं होगा ओवरहेड कॉस्ट इनका डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री पर मंथ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है बढ़ते हैं जर्नल, शर, जर्नल सर जर्नल कोर्स को हम कभी भी डायरेक्ट कोर्स का पार्ट नहीं मानते एलोकेटेड टू दस्टक्शन प्रोजेक्ट बाई द मैनेजर इज थर्टी थाउजेंड हाउ एवर एज पर दिनलड एलोकेशन पॉलिसी इट शुड भी ट्वेंटी फोर थाउजेंड द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 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 डॉक्यूमेंटेशन द ओनली एंड ऑब्जेक्शन द बैलेंस अमाउंट सर ये अपने लिए कोर्स हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे ठीक है जी सर सर हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ स्टडी मैट में ना एक क्वेश्चन दे रखा है आपके मतलब आईसीआई के पब्लिकेशन में एक जगह पे जर्नल ओवरहेड वन टेंथ वो कह रहे कि कैपिटलाइज हो जाएगा डायरेक्ट रिलेटेड टू लिख रखा ना। तो भी की specific, sir, बात December, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर सर एट मंथ का हम क्या करेंगे अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे टू लैख थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन एट टू लैख चले आगे हाँ जी सर आइए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कम्लीट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ठीक है एंड प्रोडक्शन कुड बिगिन ऑन फर्स्ट फरवरी सर हम फर्स्ट जनवरी से कपिशन लगाना स्टार्ट कर दें ठीक द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिटेटेड एट फोर्टी एयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जो भी सर कैपिटलाइज्ड अमाउंट आएगा ना अपना उसमें सर थर्टी लाख का जो अमाउंट होगा ना सर उस पर एपेशन चार्ज नहीं होगा ठीक जी सर द ऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एस्टिमेटेड फोर्टी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन हाउ एवर इट वॉज एस्टेब्लिश दैट द रूफ विल बी नीड टू बी रिप्लेस ट्वेंटी ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन सर डेट ऑफ कंप्लीशन के ट्वेंटी ईयर के अंदर सर क्या होगा सर आपका रूफ जो है रिप्लेस हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे सर जितना भी छत का हिस्सा होगा ना सर उस पर डेपेशन ट्वेंटी एट के हिसाब से लगाएंगे ठीक है क्योंकि sir, कंपोनेंट बेस के हिसाब से चार्ज होता है आगे देखिए एंड दैट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करंट प्राइस वुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है टोल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ठीक है तो सेवेंटी फाइव परसेंट सर किसका आ जाएगा अपना सेवेंटी फाइव परसेंट अमाउंट जाएगा आपका सर अदर देन आपका रूफ ठीक जी सर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस बाय ए लोन ऑफ ट्वेंटी एट लैख सर ध्यान रखना जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन है ना वो पार्टली फाइनेंस हुआ है ट्वेंटी एट के लोन से ठीक जी सर वर्डिंग सुना सर यहां पे, सर लैंड के ऊपर सर उन्होंने मतलब लैंड से रिलेटेड उन्होंने लोन नहीं लिया सर फैक्ट्री से रिलेटेड उन्होंने लोन नहीं रखा ठीक जी सर द लोन वॉज टेकन एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नाइन परसेंट ठीक है ड्यूरिंग द पीरियड वन द लोन प्रोसीड हैड बिन फुलज टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ठीक है सुबम लिमिटेड रिसीव इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ट्वेंटी ऑन द टेम्प्ररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दी प्रोसीड ठीक है सर? ये टेप्रे इन्वेस्टमेंट इनकम है तो स्पेसिफिक बोरोइंग है क्योंकि यहाँ पे लिखा सर पार्टली फाइनेंस बाई द लोन ठीक जी सर तो सर हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग केस में ना एक्चुअल बोरिंग कोस्ट लेते हैं एज रिड्यूस्ड बाई सर आपका टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रोम सर स्पेसिफिक बोरइंग ठीक जी सर you are required to assume that all the net finance cost to be allocated to the cost of factory नोट लाइन ठीक है एंड इंटरेस्ट कोर्स टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन नाइन मंथ पीरियड हालांकि सर ये लाइन गलत लिखी है क्योंकि एट मंथ के साथ सर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए था लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में हमेशा सर हम कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन ने कोई बात स्पेसिफिक कर दी तो हम कॉन्सेप्ट को कहते भैया थोड़ी देर साइड हो जाए क्वेश्चन की बात मान लेते तो या फिर नाइन मंथ के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे सर बोरिंग का कैपिटलाइज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हालांकि मैं बता दूँ टेक्निकली एट मंथ के हिसाब से आना चाहिए था ठीक जी सर तो बड़े सारे बच्चों की भी क्वेरी थी कि सर इसमें हम एट मंथ या नाइन मंथ नाइन मंथ क्यों क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया सर आपका कितने परसेंट है कितने मंथ का सर नाइन मंथ का माइनस सर आपका टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी एट लैक इंटू नाइन परसेंट इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व सर ये वन एटी नाइन आ गया माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी फोर आ गया टोटल अमाउंट आपका थर्टी लैख प्लस एटी थाउजेंड प्लस सर आपका आएगा टू थर्टी टू प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर प्लस सर आपका आएगा टू लैख प्लस आएगा वन सिक्सटी फोर फिफ्टी एट लैख का अमाउंट आ गया ठीक जी सर अब आउट ऑफ फिफ्टी एट लैख सर थर्टी लैख की लैंड होगी बाकी सर अपना बिल्डिंग हो जाएगी जिसमें सर ट्वेंटी फाइव परसेंट हिसाब का रूफ का ठीक है जी सर सर थर्टी लैख लैंड का अमाउंट आ जाएगा बैलेंस अमाउंट सर आपका बिल्डिंग आएगा अदर देन रूफ फिफ्टी एट लैख में से ए ट्वेंटी एट लैख ट्वेंटी वन लैख रूफ आपकी सेवन लैख ,00 डेप्रीशन सर ट्वेंटी वन लैख डिवाइड बाई फोर्टी डिवाइड बाई ट्वेल्व इंटू थ्री वन थ्री वन टू फाइव और सर ये आएगा आपका सेवन लैख डिवाइड बाई ट्वेंटी आएगा ध्यान देना ठीक है इनटू आपका सर थ्री मंथ का टेप्रीसी एट सेवन फाइव सी एक बार फिर से टैली कर लेते हैं सर सेवन लाख डिवाइड बाय ट्वेंटी इनटू सर आपका थ्री मंथ डिवाइड बाई ट्वेंटी ठीक जी सर चलिए अब ये कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा क्योंकि उसने कैरिंग अमाउंट मांग रखा है माइनस वन थ्री वन टू फाइव वन नाइन एक सेकंड कुछ गड़बड़ होगी ट्वेंटी वन था ये ना? एक जीरो कम प्राइस होगी ट्वेंटी लैख एटी सिक्स थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव सेवन लैख माइनस एट सेवन फाइव जीरो सिक्स नाइन वन टू फाइव जीरो ठीक जी सर वन की बात हाँ जी सर आइए जोड़ देते हैं इसको क्योंकि कैरिंग अमाउंट में आएगा ना ट्वेंटी सेवन सेवन एट वन टू फाइव प्लस लैख ये सी ए फाइनल आपका इनडेसन ले रखा उसमें कुछ हल्के फुल्के से चेंज कर रखे बस चले हाँ जी आइए आप उड़ा देंगे एम सी क्यू को था देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इनका डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन विल बी कैपिटलाइज्ड सर लीगल कोर्स कैपिटलाइज करेंगे बिल्कुल सर ए आंसर आ गया फिर भी एक बार देख लेते हैं कोस्ट ऑफ रिलोकेटिंग नहीं कॉस्ट ऑफ इनोग्रेशन नहीं एलोकेटेड जनरल वर्कर देखिए एट मंथ आया था ना यहाँ पे आपका टू थर्टी टू लो जी ऑप्शन सी व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट आपका वन तो अगर हम रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ेंगे ना तो पता हमें क्या करना पड़ेगा सर बार बार क्वेश्चन रेफर करना पड़ेगा और हम लोग ना मतलब एक तरीके से ना समुद्र के बीच में उनको डायरेक्शन नहीं बताओगे हमें कहां जाना है ठीक चलिए कैरिंग अमाउंट सर आपका थाउजेंड वन टू फाइव आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड आपका बाईब का क्वेश्चन है है ठीक जी सर ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लिखवा देता हूँ देखिए क्या होता है जब मैंने आपको क्लास के अंदर ना बाई बैक के कॉन्सेप्ट कराए थे बाई बैक के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे ना जो आपका डेट इक्विटी रेसो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना हम एक शॉर्टकट लगता है लेकिन उस शॉर्टकट को आप रफ में वर्किंग करके क्रॉस टैली करेंगे ठीक है जी सर लेकिन अगर एमसी की आते तो सर उस शॉर्टकट को आप फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें भी शॉर्टकट बता दो बट मैं एक काम करता हूँ पहले ना इस केस सैनर को ना नॉर्मली सर जैसे हम केस सैनर सोल्व करते हैं उसी एंगल से सर डिस्कस करूंगा ठीक जब वो पॉइंट आएगा मैं आपको शॉर्टकट लिखवा दूंगा ठीक है जी सर आइए

डेट इक्विटी सर, सर पोस्ट बाईब होती है फिर हम लोग ये देखते हैं सर कि जो अपना करंट डेट है उसमें बाईब के बाद डेट पे क्या इंपैक्ट आएगा तो पोस्ट बाईब पहले डेट कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करते हैं ठीक जी सर उसके बाद सर हम ये चेक करते हैं कि पोस्ट बाई बैक इक्विटी कितनी होनी चाहिए तो एक काम करते हैं सर शॉर्टकट अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ ठीक है जब ये पॉइंट प्रॉपर डिस्कस करने का आएगा तो मैं आपको सर शॉर्टकट भी लिखवा दूंगा ठीक ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल ऑफ द थ्री टेस्ट डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटर दैट कैन बी बोट बैक ठीक है अब ये देखिए सर हमें कुछ नहीं करना जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना तो हम कितने शेयर का बाईबैक हो सकता सर वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे और अपने सारे एमसीक्यू उड़ जाएंगे सर एकदम देखिए आइए केसर लिमिटेड कंपनी इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटी ठीक है हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट ए शेयर बाई ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री द कंपनी प्लान टू रिपर्चेज सर कंपनी ने प्लान किया रिपर्चेज करने का ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच एट ए प्राइस ऑफ ट्वेंटी पर शेयर ठीक जी सर स विदिकल ऑफ एसोसिएशन एंडसरी रेगुलशन है कपनी एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अरेजमेंट फॉर दर बाई बिमिटेड इंटेंडेड टू यूटिलाइज इट्स करंट असर्ट पर्टिक्युरली बैंक बैलेंस टू मेक द पेमेंट फॉर द रिपर्चेज सेयर इज अनेपोट ऑफ केसर लिमिटेड बैलेंस एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ठीक जी सर कैपिटल सर आपका ट्वेल लाख फिफ्टी थाउजेंड तो पहला टेस्ट सर क्या आ, आ, आएगा वन ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फाइव परसेंट थ्री वन टू फाइव जीरो ठीक जी सर रिजर्व एंड सर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपका हम इसे बाईबैक के लिए यूज करते हैं ठीक पी एंड एल अकाउंट आ गया रिवेन्यू रिजर्व आ गया तो सर इक्विटी रिफंड कितना आएगा अपना ट्वेल्व फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी जी सर प्लस वन ट्वेंटी फाइव जी सर प्लस फिफ्टीन लैख थर्टी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू सर ट्वेंटी फाइव परसेंट डिवाइड बाई क्या है सर बाई बैक प्राइस ट्वेंटी पर शेयर थ्री नाइन जीरो सिक्स थ्री चलें जी सर थर्ड पोस्ट बाई बैक डेट इक्विटी रेस शुड बी

टू फाइव हंड्रेड ठीक है जी सर डेट इक्विटी का सर जो टेस्ट होता है उसकी बड़ी सारी वर्किंग होती है मैं आपको शॉर्टकट लिखवा देता हूँ शॉर्टकट क्या है सर करंट इक्विटी माइनस पोस्ट बाई ये तब फॉर्मूला फिट बैठेगा अगर कोई आपने नया सीरी सुना करा ठीक है जी सर पोस्ट बाई बैक इक्विटी शुड बी एटलीस्ट ठीक जी सर डिवाइड बाई आएगा फेस वैल्यू प्लस बाय प्राइस आप एग्जाम में जो इक्वेशन अप्लाई करते हैं आपने सर सेम इक्वेशन के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना लेकिन अगर एमसीक्यू आते हैं तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे और बड़े क्वेश्चन में क्रॉस तैयारी के लिए सर आप इस शॉर्टकट को रफ में वर्किंग करके देख सकते हैं ठीक जी सर करंट इक्विटी सर कितनी अपनी सर थर्टी वन ट्वेंटी फाइव माइनस पोस्ट बाई बैक इक्विटी शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी टू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड फेस वैल्यू प्लस आपका बाई बैक प्राइस डिवाइड बाई थर्टी टू एट सेवन फाइव जीरो ठीक जी सर चलिए बाई अच्छा आगे देखते हैं लिखते हैं ऑथराइज इशूड कैपिटल आपका सर करंट असाइड लैंड एंड बिल्डिंग प्लान एंड फर्नीचर एंड फिक्सेस ठीक जी सर बाई यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बोट बैक सर शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ सर कितना आएगा सर वन ट्वेंटी फाइव वन की बात जी सर एक सेकेंड वन ट्वेंटी फाइव नहीं था वन ट्वेंटी फाइव सॉरी सॉरी थ्री वन टू फाइव जीरो था वन ट्वेंटी फाइव तो टोटल नंबर ऑफ से थ्री वन टू फाइव जीरो चलिए बाई यूजिंग द रिसोर्स टेस्ट सर रिसोर्स के हिसाब से थ्री नाइन जीरो सिक्स थ्री जीरो सिक्स टू दे रखा वो सिक्स टू पॉइंट फाइव आया था ठीक है जी सर चलिए बाई जून का डेट इक्विटी रेसो सो डेट इक्विटी रेसो के हिसाब से टू एट सेवन फाइव जीरो लो जी ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री टेस्ट सर थ्री टेस्ट के बेसिस उसने पूछा हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें उसने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का बाई किया लेकिन उसने पूछा क्या सर उसने पूछा कि जो सर ये तीनों टेस्ट है इसके हिसाब से बताओ सर लोवेस्ट आ जाएगा आपका टू एट सेवन फाइव जीरो टू एट सेवन फाइव जीरो चलिए एम सी क्यू पे चलते हैं ये सर आपके जितने भी एम सी क्यू हैं ये सारे वैसे मैंने करा रखे हैं एम सी क्यू की मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर कर रखी है जिसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे एम सी क्यू के हैं ठीक जी सर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट आर एक्सक्लूडेड वाई कंप्यूटिंग द ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट सर नहीं आएगी एलोकेटेड फिक्सड प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा सर एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आएगा स्टोरेज कॉस्ट विच इज़ नॉट नेसेसरी सर यहाँ पर नोट लिख लेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया अपनी वेबसाइट पर सर जो एम अपने स्टडी मटेरियल में सर जो एम सी क्यू होता ना उसको ठीक कर दिया ठीक है जी सर तो अकॉर्डिंगली सर ये ठीक हो जाएगा इन्होंने पुराना एम सी क्यू कापी को कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू ए एस एटीन रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी सर अगर थर्टी परसेंट सेर है तो आपका एसोसिएट बन जाएगा बैंकिंग फैसिलिटी अगर दे रहा है सर तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं है एसोसिएट से रिलेटेड पार्टी होता है कैप रिलेटेड पार्टी होता है ठीक जी सर ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन विच इज कैरियड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन इज कोल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा ठीक है जी सर चलिए बेटा बाकी इसके अंदर जितने क्वेश्चन है सर सारे के सारे क्वेश्चन आपके सर पुराने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सर मैंने ना यूट्यूब पर डाल रखे हैं उसके हिसाब से पुराने हैं ठीक कुछ क्वेश्चन सर स्टडी मैट के तो आप स्टडी मैट बैच रेफर कर लेना कुछ सर अर्लियर अटैम्प्ट की आरटीपी आर टीपी है तो उसकी प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक क्वेश्चन सर यहाँ पर नया है ए एस ट्वेंटी एट का क्वेश्चन है ये आइए इस क्वेश्चन को

जिस दिन हम कैलकुलेट करेंगे उस डेट तक का डेप्रेशन उसमें से माइनस करते हैं ठीक है जी सर चलिए उसके बाद क्या करेंगे सर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है सर वैल्यू न्यूज और आपका नेट सेलिंग प्राइस एवर इज प्राइसिज ठीक चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्स लिमिटेड परचेज ए प्रोपर्टी प्लान इक्विपमेंट फोर ईयर एगो फोर वन फिफ्टी सर वन फिफ्टी लाइक उसने पीपी ली थी चार साल पहले एंड डेप्रिशिएट इट एट टेन परसेंट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है तो सर फोर ईयर का डेपरेशन सर आपका सिक्सटी आ जाएगा तो कैरिंग अमाउंट नाइनटी आ गया ठीक जी सर

है और एक्सपेक्टेड थ्री लैक है तो सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा ठीक है जी सर प्लीज ध्यान से इस बात को देखना एक बार फिर से रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है आप असर से कितनी रिकवरी करेंगे जो कि ऑफ टू होता है नेट सेलिंग प्राइस की अगर हम साइड को बेचते हैं तो कितने की बिकेगी खर्चा कितना आएगा तो सर नेट सेलिंग प्राइस सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव आगे जी सर उसका कंपेरिजन किसके साथ करते हैं सर सर वैल्यू न्यूज के साथ ठीक वट विल बी द ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस दैट द दियर वैल्यूशन रिवोल्यूशन बाई मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू न्यूज सर कितने से 60 से तो कितना तो आ गया सर इसमें टेन पॉइंट फाइव लाख का सर आपका क्या जाएगा? आ जाएगा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा जिससे आप क्या करें पिंडल अकाउंट में चार्ज कर लें ठीक जी सर चलिए इसके अलावा जितने क्वेश्चन सर आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि पुराने क्वेश्चन है सर ये क्वेश्चन सर मैंने कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखे हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच ऑल और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे